नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रेस रिव्यू। चंद्रबाबू नायडू करोड़पति, माणिक सरकार लखपति। चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं, जबकि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार के पास सबसे कम संपत्ति है। द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के पास 177 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जबकि दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू हैं, जिनके पास 129 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसके बाद नंबर आता है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का, जिनके पास 48 करोड़ रुपए की संपत्ति है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने सिर्फ 26 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की है, जबकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास 30 लाख और जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के पास 55 लाख रुपए की संपत्ति है। भारत ने हिंद महासागर में अपना प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से ओमान के बंदरगाह के सैन्य इस्तेमाल के लिए ओमान के साथ समझौता किया है। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारत ने ये कदम इस क्षेत्र में चीन के प्रभाव को जवाब देने के लिए उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओमान के सुल्तान कबूस बिन सैयद अल सैयद से मुलाकात की थी। हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार कानून में बदलाव करने पर विचार कर रही है, जिसके तहत पत्नियों को अकेला छोड़ देने वाले एनआरआई पतियों की संपत्तियां जब्त की जा सकेंगी। यही नहीं, महिला और बाल कल्याण मंत्रालय बाल यौन उत्पीड़न के मामलों की रिपोर्ट करने के समय को बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय को पत्र लिख रहा है। मौजूदा कानून के तहत अपराध होने के 3 साल के भीतर मामला दर्ज कराना जरूरी है। नए प्रस्ताव के तहत ये सीमा समाप्त कर दी जाएगी। द हिंदू में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई के विशेष जज बीएच लोया की संदिग्ध मौत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार की ओर से कहा गया है कि जज लोया की मौत से संबंधित जनहित याचिकाएं सुनी सुनाई बातों पर आधारित हैं। महाराष्ट्र सरकार की ओर से अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि ये जनहित याचिकाएं न्यायपालिका को बदनाम करने के उद्देश्य से दायर की गई हैं। मुकुल रोहतगी ने कहा कि याचिकाएं सुनी सुनाई बातों और एक अपुष्ट लेख पर आधारित हैं। दोस्तों, हमारी हर न्यूज को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।